करण कुंद्रा बने दूल्हे, लेकिन दुल्हन तेजस्वी नहीं बल्कि है सिंगर अकाशा। हो कमले दिल की कहंदा सुन ले, ओ रांझे इश्क दे तागे बुन ले, मैनू नींद नी आंदी चैन नी आंदा, कमली बन गई मैं माही, हत्थां विच मेहंदी रचदी, तेरी मेरी मिल गई जिंदड़ी। जी हाँ, दोनों बिग बॉस में तो दिखे थे, लेकिन अब दिखने जा रहे हैं सोनी म्यूजिक के नए म्यूजिक वीडियो में। जो है अकाशा का नया सिंगल जिसका नाम है कमले। कमले मतलब पंजाबी में कहते हैं थोड़ा पगला। अकाशा और यासर देसाई की आवाज में इस गाने का म्यूजिक वीडियो फिल्माया जा रहा है, जिसमें करण कुंद्रा बने हैं दूल्हे राजा और इनकी दुल्हनिया बनी है खुद अकाशा। लेकिन इस शादी में ट्विस्ट है, क्योंकि शादी हो रही है दो बेस्टीज की। तो हम पहुंचे सोनी म्यूजिक के इस म्यूजिक वीडियो के शूट पर और लेकर आए इस म्यूजिक वीडियो के शूट के कुछ खास नजारे। नजारा नंबर वन, शादी का माहौल। जी हाँ, कमले गाने की शूट के लिए शादी का सेटअप लगाया गया है। यहाँ पर ढेर सारे मेहमान हैं, शादी का मंडप है, फूलों से सजी हुई सेज है, और दो ऐसे लोग हैं जो हैं तो दोस्त लेकिन शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके। तो कुछ इसी थीम पर इस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग चल रही है। हो कमले दिल की कहंदा सुन ले, ओ रांझे इश्क दे तागे बुन ले, मैनू नींद नी आंदी चैन नी आंदा, कमली बन गई मैं माही, हत्थां विच मेहंदी रचदी, तेरी मेरी मिल गई जिंदड़ी। अच्छा गाती है। थैंक्स। अभी मेरे को रियलाइज हुआ। सर, आप मेरे म्यूजिक वीडियो में स्टार करेंगे? अच्छा गाती हो। हां हां, थैंक यू। कमला, हम कमली। कमली एक नंबर है। मैं कमला हूं। कमला पंजाबी में इसका मतलब होता है थोड़ा सा खिसका हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो प्यार वाला कमले। हाँ, लाइक हट पगले, ऐसे वाला, मतलब ऐसे वाला कमले है। किसी को पागल नहीं बोलना तो पगले बोल दो, किसी को कमला नहीं कहना। हाँ, प्यार में कमले। और हमारे गाने का नाम भी कमले है, जो कि बहुत ही प्यारी आवाज़ में इन्होंने गाया, पता नहीं कैसे गाया पर बहुत अच्छा गाया है। और साथ में मेल भी हैं। आप भी कुछ बोले, मैं कल ही सारा प्रमोट करता हूं। मैं वही बोलने लगी थी कि प्यार से, जैसे प्यार से मिलती मेरे को, प्यार से जब बकबक करता रहूंगा, प्यार से जब बोलते हैं ना कि हसमत पगली प्यार हो जाएगा, तो वही बोल रहा है कमले, दिल खोल के देख ले तुझे प्यार है, जो मैं इनको घर में वैसे बोल रही थी कि दिल खोल के देख ले प्यार है। बेसिकली दैट इज व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट, इट्स अ लव सॉन्ग। इसी ने बसाया मेरे को। हां, एंड मेरी जिंदगी भी तो नागिन आई इसके। चुप कर। एंड जो मेल पार्ट गया है वो यासिर, जिन करण जिसको लिपसिंग कर रहे हैं, जिसको इमोट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ है यासिर देसाई की। एंड या शांतनुदा का ये गाना है, बहुत ही आई बिलीव बहुत वेडिंग वाइब्स है इस गाने में। तो और सीजन भी है। हाँ, और मुझे कम से कम सुनो 2.5-3 करोड़ रील्स चाहिए इसके ऊपर। आप लोगों को कसम है, वोटिंग नहीं की उससे, वो ठीक है, समझ जाता हूँ, लेकिन इस गाने पे मेरे को रील्स चाहिए। हाँ, ठीक है, ओके। मतलब आप कैसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है शादी के बाद पर करना, बॉयफ्रेंड के साथ भी बना सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ। फॉर ऑल द गर्लफ्रेंड्स जिनके सारे कमले बॉयफ्रेंड्स हैं, ये गाना आपके लिए है। फिर कमली भी बोलती है, कमली बन गई मैं माही, गर्लफ्रेंड भी एक्सेप्ट करती कि वो भी। हमने सब कवर कर लिया। यस, गाना तो खैर जो कंपोजर और लिरिसिस्ट हैं, अजीम दयानी इज़ एक्चुअली द पर्सन जिन्होंने मुझे बुलाया ये डब करने के लिए। एंड देन माय टीम सोनी म्यूजिक ऑब्वियसली वाज लाइक, बहुत प्यारा गाना है, इसे सिंगल रिलीज़ करते हैं। ये होने वाला था शूट बहुत पहले, फिर वेट किया गया कि कब थोड़ा सा बिग बॉस ख़त्म होगा, बिकॉज़
We were thinking of Mr. Kundra will suit. हाँ तब से नहीं है अभी थोड़े time मतलब एक हफ्ते पहले. So sweet. मतलब finale के एक हफ्ते पहले. एक हफ्ता wait किया हमने इनका कि ये निकलेंगे और फिर हम shoot करेंगे. दो साल wait करते हैं. हमने सिर्फ एक हफ्ता किया. उससे ज़्यादा अगर time लेते तो. कोई नहीं. कहीं तो मेरी इज्जत हुई. हाँ. करण कुंद्रा और अकाशा के बीच कुछ क्यूट मोमेंट्स फिल्माए जा रहे हैं जहां पर कभी डांस है, थोड़ा प्यार है, थोड़ी तकरार है और इस लुका छुपी में हो जाती है इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की शादी. मैं दुल्हन बनी नहीं हूँ अभी तक. मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे शादी करनी है क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, तो इसलिए मैंने शादी बीच में रोकी हुई है. और फिर जो मेरे करण है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहे हैं इसमें, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट भी वो ऐसा है कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और उनकी उन्होंने आई थिंक एंड में डिसाइड कर लिया कि चलो अब हम शादी करते हैं. बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि इन लव तो होते हैं पर उनको पता नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस फ्रेंडशिप को देते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस म्यूजिक वीडियो का वो भी यही है. देखिए दे आर फ्रेंड्स एंड देव डिसाइडेड कि शादी भी कर ही लेते हैं, यू नो. बाद में रियलाइजेशन होती है. सो वो उस शादी वाले दिन की जो चीज़ें होती है ना, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी बेस्ट फ्रेंड्स. तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे वो बेड पे लेट के चिड़ियुड़ खेल रहे हैं, यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो हम बिग बॉस में करते थे. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अबाउट फ्रेंडशिप एंड यू नो ऑब्वियसली देयर इज अ मैरिज आल्सो हैपनिंग. भाई शादी का गेटअप है तो इनके कपड़े भी शादी वाले होंगे, तो जरा बिग बॉस में दोस्त बने इन रियल लाइफ दोस्तों से पूछे कमले के बारे में. नजारा नंबर टू, बिग बॉस के दो दीवाने आकाश और करण कुंद्रा को दोनों को हम लोग बिग बॉस में देख चुके हैं. बिग बॉस की ये दोस्ती अब इस म्यूजिक वीडियो में भी दिखेगी. तो करण ये मतलब मार पिटाई लड़ाई इसका प्रोफाइल, इसको यहाँ वाला प्रोफाइल पसंद नहीं है. मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी. इसका यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो. तो आई थिंक हम लोगों ने वी वर फ्रेंड्स बिफोर बिग बॉस ऑल्सो, लेकिन बिग बॉस में हम बहुत क्लोज हुए थे. इसका शॉर्ट रेडी है पर हम जल्दी जल्दी बोलेंगे कि हाँ. उसके बाद जैसे ही ये गई तो मैंने बहुत मिस किया इसको, झूठ बोल रहा हूँ, बट ठीक है. झूठे मैंने झूठ बोल रहा है. सेटिंग करा के गई थी मैं पूरी. हाँ करेक्ट. हाँ मेरी सेटिंग सेटिंग इज मेरा जो अब रिलेशनशिप है उसकी शुरू में सेटिंग करा की गई थी. सेटिंग करा की गई थी क्योंकि हमें पता ही नहीं थी हम एक दूसरे को पसंद करते. मुझे लगता मैं अकेला हूँ, उसको लग रहा था वो भी अकेली है. और मुझे पता था. एनीवे हम यहाँ पे गाना शूट कर रहे हैं. बहुत ही प्यारा गाना है आकाशा की आवाज़ में. मेरे पहले जब गाना सुना मेरे को भरोसा नहीं हो कि आकाशा की आवाज़ में क्योंकि बिग बॉस में जिसकी आवाज़ आती थी वो ऐसी होती थी. बट अगर आप गाना सुनोगे बहुत 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 ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई मतलब ड्रीम की तरह शूट किया गया है एंड वी आर हैविंग अ ब्लास्ट हियर. थोड़ी बदबू आ रही है. अब नहीं आ रही इधर. नहीं आ रही वहाँ पे. बाहर सूखी मछली की थोड़ी बदबू आ रही है बट ठीक है कोई बात नहीं. आकाशा से भी वैसी बदबू आती है कभी कभी. बट आकाशा क्या है देखो. आज करण कुंद्रा और करण सॉरी एक कनेक्शन अगर करण करण अगर कनेक्शन की बात करें तो आकाशा का फर्स्ट सॉन्ग जो नागिन गिन गिन ही है और आपकी अभी भी जो लाइफ में जो नागिने छोड़ती नहीं है मेरे को डस्ट मारना. क्या कहना चाहोगी किस बारे में. नागिन गिन 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 एंड देन अब जो आजकल मैं नागिन गिन रहा हूं रोज. बस नागिन नागिन छाई हुई है हर जगह, यहां वहां गाने में, टीवी पर, इनकी लाइफ में. दैट्स बेसिकली मैं इंपैक्ट बहुत है. मैं डसा जा रहा हूं. हां मैं इंपैक्ट है नागिन का आपके लाइफ में सब अगर ऐसा देखें. हां मतलब मैं नागराज टाइप की फीलिंग आ रही है मेरे को. ऐसा नागराज ही होता है ना. हां नागराज टाइप की फीलिंग आ रही है क्योंकि यू नो नागिन नागिन नागिन. बीन कौन बजाता है. सपेरा हो आप. मैं सपेरा हूँ. हाँ. आज से मेरा नाम करण सपेरा. करण सपरा. सपरा. बीच बीच में शूटिंग हो रही है मतलब ब्रेक होती है उसमें हम शूटिंग कर लेते हैं. हम ये सिर्फ ये झूठ बोल रहे हैं. हमने सिर्फ दो तीन रील्स बनाई है जो कि बड़ा टाइम लग गया. करण को सीखने में बहुत टाइम लगता है बट मैं सिखा दूंगी. थोड़े इनका जमाना अलग था, मेरा जमाना अलग है इसलिए इनको थोड़ा सिखा रही है. ये मैं अगली बार ना किसी मतलब नॉन एक्टर के साथ काम नहीं करूंगा. मैं कहना चाहूंगी कि मैं इससे शादी नहीं करी. गाने में शादी कैंसिल. कट कैंसिल. क्योंकि हर चीज को इतनी परफेक्शन में लेती है ना ये लड़की हर चीज को. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिग बॉस की ये दोस्ती अब इस म्यूजिक वीडियो में भी दिखेगी जिसकी शूटिंग हो रही है मुंबई के इस खास केस बंगलो में जहाँ पर घर आती हैं भर आती हैं और ये दोनों दुल्हा दुल्हन हैं यानी आकाशा
और करण कुंद्रा। वैसे बिग बॉस में ही करण को उनकी रियल लाइफ दुल्हनिया यानी तेजस्वी भी मिली और इन दोनों की मुलाकात भी अकाशा ने कराई थी। तो जानते हैं कि बिग बॉस में करण को जो नागिन मिली वो आखिर उन्हें अकाशा ने ही मिलवाया था। नजारा नंबर 3, पर्दे के पीछे के नजारे। कई म्यूजिक वीडियो के शूट के दौरान ढेर सारे पर्दे के पीछे के मोमेंट्स हमें देखने को मिले। काम कर रहे हैं उसके ऊपर, रिहर्सल्स हैव बीन गोइंग ऑन ऑलमोस्ट 10 दिन से हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। जब एक्चुअली बाहर आने के बाद पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो यही था, मेरे को ओम ने फोन किया, यहीं की उम्र होगा कि अकाशा के साथ गाना है, तो मैंने कहा हाँ कर दे हाँ कर दे। अरे ऐसे नहीं भाई, गाना तो सुनो, मैं कहा हाँ कर दे हाँ कर दे हाँ कर दे, क्योंकि मैंने अंदर भी बोला था कि बाहर निकलते पहला फोन कॉल दैट आई वॉन्टेड टू डू वॉज अकाशा ओनली। So yeah, and rehearsals हुई। किया नहीं था क्योंकि सामने खड़ी थी तू बेवकूफ। That's true। सबसे पहले मिला तेरे को ही था मैं। That's true। So yeah, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, हमारे को मैं लड़की लग रही हूँ। हाँ, for a change। और काशा की मॉम भी आई हैं आज सेट पे, वो भी यहीं की हैं और वो इतनी प्यारी मॉम है। मैंने तो बोल दिया आंटिया बहुत सुंदर, और पीछे से अंकल आ गया पगड़ी पगड़ी, मैं कहा ऐसे मतलब ऐसे मेरे ही मॉम डैड, मेरे मॉम डैड प्ले कर रहे हैं वीडियो में भी। हाँ, उनको पता है मेरी शादी वादी का तो कोई प्लान है नहीं, होने नहीं वाला, तो उन्होंने क्या म्यूजिक, वो हर म्यूजिक वीडियो में आ जाते हैं कि चलो यहाँ तो तेरी शादी हो जाए, कहीं तो हो जाए, शुक्र है भगवान का। बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही प्यारा पिक्चराइज किया गया है। काशा इज ऑल्सो फर्स्ट शॉट में सुबह आया, तो पहला शॉट इसी का चल रहा था, बहुत सुंदर भी लग रही थी। अब तो मेरे बारे में बोल। हाँ, और करण बहुत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और क्या बोलना था, कितना माइंड ब्लोइंग, कितना माइंड ब्लोइंग काम किया है न्यानू सिंह। 4:30 बजे उठ के मैं दिल्ली आया हूँ, नहीं तो मैं सुबह अपनी शूट पे नहीं गया 4:30 बजे उठ के। करण सिंह कुंद्रा सुबह 4:30 बजे उठ के आए थे, जेटी में बैठ के आए थे। पहले अपने घर से मैं ऑटो में निकला, ऑटो से जेटी तक गया, जेटी से मैंने जेटी पकड़ी डाउन टू अर्थ स्टार। हाँ, बहुत ज्यादा ये जो भी हम लोगों ने ये रिहर्सल्स वगैरह की, तब हमारे ये कॉस्ट्यूम ट्रायल्स भी हुए। एंड एक्चुअली हमने गाने वाले दिन इतना मजा नहीं किया जितना हमने पहले कर लिया। बट आई यू नो, आई थिंक सबसे स्पेशल बात इस गाने की ये है कि जो वो एक बेस्ट फ्रेंड वाइब है ना, वो बहुत नेचुरली आ रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों का वो है बेस्ट फ्रेंड वाइब की, मतलब एंड तक ऐसा लग रहा है कि ये शादी भी करने वाले हैं, तो बेस्ट चीज है। बिग बॉस हाउस में हम बैठ के चिड़ी उड़ खेलते होते थे, तो वो इस गाने में भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है डायरेक्टर ने, क्योंकि आई थिंक उनके दिमाग में आया था और हमने वो रिक्रिएट भी किया जो बिग बॉस हाउस के अंदर किया था, वी रिक्रिएटेड दैट थिंग, वो बहुत मजा आया करके। या अकाशा को मिले ये बेस्ट फ्रेंड यानी ये बिल्ली, और वो दूल्हे राजा यानी करण कुंद्रा को छोड़कर इस बिल्ली को प्यार कर रही हैं। मुझे इंसानों से ज्यादा जानवर हो, मेरे को लगता है मेरी मम्मी भी वही बड़ी है, तेरी शादी वादी का तो पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है घर अकेले घर में 50-60 जानवरों को लेके मेरी जिंदगी गुजारूंगी। वैसे पर्दे के पीछे दोनों ढेर सारी रील्स बना रहे हैं, फोन पर लगे हुए हैं, ढेर सारी मस्ती हो रही है। भाई दोनों ने जब साथ काम किया है तो पर्दे के पीछे अलग ही कहानी दिख रही है जो हमारे कैमरे ने कैप्चर की। अगला नजारा है अकाशा के इस दुल्हन वाले लुक का। भाई अकाशा ने अब तक केवल डांस नंबर्स किए हैं, लेकिन पहली बार वो एक दुल्हन वाले सिंगल में नजर आएंगी, यानी अकाशा का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अंदाज इस म्यूजिक वीडियो में देखने को मिलेगा। ये गाना आ रहा है और ये वीडियो अगर आप देखें, ये पहली वीडियो होगी, जैसे मुझे डायरेक्टर ने बहुत टाइम लगा के सिखाया कि सॉफ्टली कैसे स्माइल करनी, मैं हमेशा मेरी वीडियोस हमेशा ये रही है नागिन या ये, सो फर्स्टली आई हैड टू बी लाइक ऐसे सॉफ्ट। तो पहला है ऐसा जिसमें अकाशा का रूप भी है पर लड़की वाला रूप भी, तो गाने से और वीडियो से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, बिकॉज
मुझे एक नई चीज़, ये वाली आवाज़ सुनी नहीं है ज़्यादा लोगों ने, नई चीज़ दिखाने मिल रही है। मेरा ऑलमोस्ट पहला रोमांटिक सिंगल है ये, क्योंकि आज तक मेरे डांस के सिंगल्स आए हैं और एक सैड सिंगल आया है, बट ये रोमांस का पहला सिंगल है। तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अटैच्ड हूँ इस गाने से। एक्चुअली देखा जाए तो मैं जो मेरे स्लो रोमांटिक आवाज़ के गाने बहुत कम होते हैं, एक या दो होंगे, तो मेरे लिए ये बहुत एक बहुत अच्छा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार वाले गानों वाले आवाज, नागिन वागिन टाइप गाने, तो एक चैलेंज भी होता है और एक अंदर से मैं बहुत बड़ी रोमांटिक हूँ। ज़िंदगी में सबसे बड़ी रोमांटिक दूसरों की रोमांस कराने में, खुद का रोमांस कराने में आई थिंक मैं ही हूँ। सो इट वॉज़ अ नाइस लवी डवी फीलिंग अंदर से इमोट करके गाना। एंड ऑब्वियसली हर लड़की अपनी शादी का तो ड्रीम करती है, तो वो मेहंदी वेहंदी तो काफ़ी ख्यालों में खोकर, इट वॉज़ अ प्रिटी फीलिंग। सॉफ्ट वाली अकासा जो लोगों को दिखती नहीं है, वो आवाज़ में कभी कभी जैसा करण बोल रहे थे आ जाती है। और आखिरी नज़ारा है करण की शादी का। जी हाँ, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जल्द ही शादी करेंगे। बिग बॉस की ये जोड़ी अकासा के सामने बनी और शायद ये म्यूजिक वीडियो करण की रियल लाइफ शादी को एक ट्रिब्यूट है जो अकासा दे रही है। रियल लाइफ में सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है, जब अकासा परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया कि परफॉर्म मैं ही कर रही हूँ। और जाते जाते अकासा से सुनते हैं इस गाने के कुछ लम्हे। हो कमले दिल की कहंदा सुन ले, ओ रांझे इश्क दे तागे बुन ले। फिलहाल आपके घाघरे के धागे गिर जाएंगे, अभी हमको जाना है शूट करने। यस, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद और मिलते हैं, बीच बीच में जो मस्ती हो रही है वो हम बताते रहेंगे। जाते जाते डरा क्यों रहे हो? तो भाई, प्यार के इस मौसम में एक नया गाना आ गया है जो प्यार करने वालों को प्यार करने पर मजबूर करेगा, जिसका नाम है कमले। और करण कुंद्रा और अकासा की जोड़ी पहली बार इस म्यूजिक वीडियो में कुछ दोस्ती और प्यार के नए किस्से सुनाएगी, जिसके नजारे आज हमने आपको दिखाए। मुंबई से रुपमावची के साथ आज तक ब्यूरो।